नमस्कार स्वागत सकल के जीवन न्यूज शिलीगुड़ी पर्दाय संगे हमें श्यामल ये मुहूर्ते किन्तु आमरा बागडोगरा बिहार मोड़ पार कर पानीघाटा मोड़ रही है पानीघाटा मोड़े दाड़ी रही आगामी 25 डिसेम्बर अर्थात क्रिसमस से क्रिसमस रैली बड़दिन शुभेच्छा नहीं देखते असंख्य मानुषर जे क्रिसमस के क्यों पालन करबे गत दो बछर करोना अतिमारी काटानों पर एबारे क्रिसमस रैली खूब सुंदर भावे किन्तु बागडोगरा पालन होच्छे आज 23 तारीख किन्तु शुरू हो गए क्रिसमस तार संगे गान माध्यमे लॉर्ड जीसस जूनियर प्ले कार्ड हाथे निये असंख्य छोटो छोटो बाच्चा थेके सकले मेते उठेछेन क्रिसमसे बागडोगरार पक्ष क्रिसमस और जीवन निश्चित सकल दर्शक ही क्रिसमस आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं आज थे शुरू हो गए बागडोगरा जुड़े क्रिसमस मुहूर्ते क्योंकि से क्रिसमस रैली सरसरी हमें क्योंकि लाइव देखा अपन जो असंख्य मानुष और सकले क्योंकि क्रिसमस के बार बचर क्रिसमस खूब सुंदर भाव क्योंकि उद्यापन करना शुरू कर दिए नाना रकम अनुष्ठान माध्यम इस समय में हमारे दादा सूरज को देना चाहता हूँ सूरज बगल थोड़ा इको कम कर दीजिएगा मेरी क्रिसमस आप सभी को और এটা একটা বড়দিনের সময় তাই না এবং চারিদিকে আমরা কেক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি অনেক হয়তো কেকও খেয়েছেন আপনারা আর ভাবছেন যে যাওয়ার সময় দু একটা বড় বড় কেক কিনে নিয়ে বাড়ি যাবেন আর এই এই সময়টা হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনের সময় আর যদি আপনি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এই আমাদের হাতে যে সমস্ত পোস্টারগুলো আছে দেখবেন কোথাও কোথাও লেখা আছে জিজাস ডাইড ফর আওয়ার সিনস আর ये जो माहौल है अभी का समय है ये बड़ा दिन का समय है और लोगों को पता है कि ये समय यीशु मसीह का जन्म का समय है यीशु मसीह इस समय जन्म हुआ था लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए थे और लोग कभी कभी इसी प्रकार सोचते हैं कि यीशु मसीह एक हमारे जैसे इंसान थे और दुनिया में आए थे और कुछ साल 33.5 साल यीशु मसीह दुनिया में थे और जब दुनिया में थे बहुत सारे आश्चर्य काम को भी उसने किया था यीशु ख्रीस्ट आज से के प्राय 2000 बछर आगे এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আমাদের মতোই তিনি একটা মানব জন্ম ধারণ করেছিলেন এবং 33.5 বছর এই পৃথিবীতে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ তিনি করেছিলেন আর সেই সমস্ত কাজ প্রমাণ দিচ্ছিল যে যীশু খ্রিস্ট কোন সাধারণ ব্যক্তি নয় কিন্তু তিনি ঈশ্বর যিনি মানব রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন उनके सारे काम बता रहा था कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे वो परमेश्वर थे जो दुनिया में हमारे लिए आए थे और उसका आने का मकसद एक ही था कि क्योंकि हम जितने सारे लोग यहाँ पर हैं अभी हम जिंदा हैं और जो लोग मर चुके हैं और आने वाले समय में जो लोग पैदा होंगे हम सारे लोगों के पास एक बीमारी है और वो बीमारी बहुत ही खतरनाक है और वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक भी अस्पताल सिलगुड़ी में नहीं है और पश्चिम बंगाल में नहीं है और इंडिया में भी नहीं है और वो जो बीमारी है उसको कहते हैं पाप हाँ क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का वचन कि पाप का जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है हम मरते इसीलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर को दुख देते हैं और परमेश्वर के बताए हुए उनके मार्ग पर हम लोग नहीं चलते हैं हमारे जीवन जो सबसे बड़ा रोग
এটা হলো আমাদের পাপ আর সেই পাপের কারণে আমরা মৃত্যুবরণ করি সেই পাপের কারণে আমাদের মরতে হয় আর এই পাপ থেকে आज बागडोगरा रैली सामने दाड़ी रैली के तुम सामने नाना रकम बला हम ख्रीटान नाना बाणी गुरु रही है समस्त बाणी गुरु बला पकड़ा गया था उतने सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे थे वो लोगों को चंगाई कर रहे थे लोगों को भलाई कर रहे थे लोगों को खाना खिला रहे थे और अंधे को आंख दे रहे थे और लंगड़े को चलने का सामर्थ्य दे रहे थे और इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद लोगों ने उसको पकड़ा और कहने लगा इसको क्रूस पर चढ़ाओ और इसको मार दो और यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया और उनके शरीर से सारे लहू बहा दिया गया আর যিশুকে এত আশ্চর্য কাজ ভালো ভালো কাজ করবার পরেও লোকেরা তাকে গ্রেফতার করে আর বিচার করে এবং তাকে ক্রুশের মধ্যে লটকিয়ে তাকে মারা হয় আর তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত ঝরে শেষ হয়ে যায় এই রক্ত আমাদের পাপের জন্য তিনি বইয়েছিলেন যিশু খ্রিস্ট তিনি জগতে এই বড়দিন যে আমরা উৎসব পালন করছি আসার উদ্দেশ্য একটাই যেন আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি যিশু খ্রিস্ট আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য উদ্ধার দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যিশু মাসে দুনিয়া মে ইসলিয়ে আয়ে থে বড়দিন কা সময় কে তাকে হামেন পাপো সে ছুটকারা মিলে আর ইসলিয়ে উনোনে আপনা জীবন ক্রুশ পর হামারে লিয়ে দিয়া আর আপনা লহু বহায়া वचन कहता है अगर तुम यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते हो और मन में विश्वास करते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है तो उद्धार मिलेगा ये उद्धार बहुत आसानी से हम लोग पा सकते हैं ये उद्धार पाने के लिए हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं है कहीं जाने का जरूरत नहीं है उद्धार पावर जन्नो ईश्वर वाक्य बोलछे जे यदि तुम यीशु के मुखे प्रभु बोले स्वीकार करो और अंतरे विश्वास करो যে ঈশ্বর তাহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন তবে পরিত্রাণ পাইবে পরিত্রাণ বা উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের কোথাও যাওয়া দরকার নেই যিশুকে ক্রুশে মারার পর তাকে কবর দেওয়া হয় এবং তিন দিন পর আমাদের যে সব থেকে বড় রোগ মৃত্যু যিশু সেই মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান হলেন তিনি আবার বেঁচে উঠলেন এবং তার কাছে সেই শক্তি আছে ক্ষমতা আছে যেন আমরাও নষ্ট না হই এবং আমরা উদ্ধার পেতে পারি ঈশ্বরের বাক্য বলছে ঈশ্বর জগৎকে এত ভালোবাসলেন যে তার একমাত্র সন্তানকে আমাদের জন্য দিলেন আর যে কেউ তাকে বিশ্বাস করবে সে বিনষ্ট হবে না কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করবে এই বড়দিনের সময় এই সুসমাচারের বার্তা আমরা এই আপার বাগডোগরা বাসীদের প্রত্যেকের জন্য নিয়ে এসেছি যদি আপনি আপনার জীবনে শান্তি ঈশ্বরের ভালোবাসা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং তার দেওয়া পরিত্রাণ পেতে চান তাহলে আপনার অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে যে যিশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান দেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে তাকে আপনার মুখে প্রভু বলে স্বীকার করতে হবে আমি চাই এই এলাকায় যারা আপনারা আছেন আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আমি প্রার্থনা করব যে ঈশ্বর আপনাদেরকে অনেক আশীর্বাদ করবে এবং আগামী বছর 2023 আপনাদের জীবনে অনেক আশীর্বাদ ঈশ্বর নিয়ে আসবে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তোমার গৌরব করি তোমাকে মহিমা দিই আর তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু পরমেশ্বর পিতা আপকো ধন্যবাদ দেতে হ্যায় আর সারে আদর মহিমা আপকো দেতে হ্যায় হমে বচানে ওয়ালে পরমেশ্বর আপ হমে উদ্ধার দেনে ওয়ালে পরমেশ্বর আপ প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি কারণ আমাদের উদ্ধার এবং বাঁচাবার পরিত্রাণকর্তা একমাত্র তুমি আজ ইতনে সারে লোক আজ ইহাঁ পর আপকে বচন কো হম সুন রহে প্রভু জি হম প্রার্থনা করতে হ্যায় কি হামারে দিলো মে আপ কার্য কিজিয়ে অর হামে উদ্ধার কা জো আনন্দ হ্যায় ও হামারে জীবন মে দিজিয়ে প্রভু জি যারা এই এলাকায় আজকে আমরা তোমার এই বার্তা সুসমাচারের কথা আমরা শুনলাম আমি প্রার্থনা করি প্রভু এই পরিত্রাণের আনন্দ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তুমি দাও প্রভু গো এই এলাকার প্রত্যেকটা মানুষকে আশীর্বাদ করো প্রত্যেকের জীবন থেকে রোগ জ্বালা যা কিছু আছে সমস্ত কিছু যিশুর নামে তুমি দূর করে দাও এবং প্রত্যেকটা মানুষকে একটা আশীর্বাদের বছর উপহার দিয়ে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু সকল মহিমা তোমার হোক যিশুর নামে চাই আমেন আমেন
मेरी क्रिसमस और ईश्वर अपने सबाई के प्रचुर आशीर्वाद करूँ। अभी हम लोग एक क्रिसमस का गीत गाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप यहाँ पर आए, सिस्टर चंदा I'm not afraid of the dark.
हमारे बच्चों के सुंदर क्रिसमसर गान संगे मेचे उठे सकले ही बच्चा थे बड़ो सकले ही क्रिसमस ए बचर 2022 जो क्रिसमस रही है से क्रिसमस नहीं शुरू हो गए नाना रकम अनुष्ठान बागडोगरा थैंक यू वेरी मच जितने लोग भी हैं आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं ये दिस इज द मंथ ऑफ लव क्रिसमस का अर्थ ही है प्रेम करना एक दूसरे को सहायता करना क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को एक उपहार के तौर पर भेजा है तो हम बागडोगरा के लोगों को उपहार के तौर पर परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं धन्यवाद देते हैं बागडोगरा पंचायत को जिन्होंने केरल का इतना अच्छा डेकोरेशन किया है ये एक भाईचारे को दिखाता है कि हम सब मिलकर एक त्यौहार को मनाएं सभी लोग जितने भी हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी प्रधान हैं पंचायत हैं और जितने भी लोग इवन हमारे सुनील भाई हैं सीसीएन हैं सिस्टर हैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू हमें कवरेज करने के लिए हैं हम आत्मिक जीवन बागडोगरा चर्च से आए हैं और हर साल ही हम ये रैली करते हैं ये लगभग हमारा 10-12 सालों से हम इस रैली को करते आ रहे हैं और उत्साह देखते हैं हम लोगों में और हम बच्चों को लेकर माता पिताओं को लेकर एक साथ रैली करते हैं यही संदेश देने के लिए कि यीशु मसीह का जन्म हमारे पापों के लिए हुआ यीशु का जन्म ही एक अच्छा सुसमाचार नहीं है लेकिन वो मरे हमारे पापों के लिए और मरकर जी उठे और हमें अनंत जीवन दिया है तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को धन्यवाद कथा बोल लाम किंतु जे क्रिसमस पालन करछेन ज्यादा किंतु आत्मिक चार्च बागडोगरा এবং এই মুহূর্তে কিন্তু একটি সুন্দর কিন্তু যে ডান্স রয়েছে সেটি কিন্তু আমরা দেখাবো আপনাকে আমরা বিদায় নেব ফিরে আসবো আগামী আপডেট নিয়ে ততক্ষণ রেখে থাকুন চোখ রাখুন জীবনের শিলিগুড়ি ধন্যবাদ